फतेहपुर सीकरी से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर का होटल बीआर इंटरनेशनल ताजगंज के ओनर हरि सिंह बघेल ने सम्मान किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष केशव बघेल ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी जनप्रिय हैं, जनता का अपार प्यार उन्हें मिल रहा है। ऐसे में फतेहपुर सीकरी की जनता चाहती है कि राजकुमार चाहर जीत कर लोकसभा जाए। इस मौके पर मौजूद लोगों ने भी प्रत्याशी राजकुमार चाहर का भव्य स्वागत किया। स्वागत सत्कार को लेकर प्रत्याशी राजकुमार भी खुश नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति रीतियों के आधार पर जनता उन्हें वोट करे ऐसी अपील जनता से की। देखिए, लोकसभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी की जनता पांचों विधानसभाओं की माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाना चाहती है। जिस प्रकार से पूरे देश का वातावरण है, उसी प्रकार से लोकसभा फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में पब्लिक के अंदर, जनता के अंदर भारी उत्साह है। उसने अपना मानस बना लिया है। जनता चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी देश के पुनः प्रधानमंत्री बने। बस वो तारीख का इंतजार कर रही है जनता कि कब 18 अप्रैल आए और कब हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल पर बटन दबाकर भारी बहुमत से मोदी जी को विजयी बनाएं और राजकुमार को अपना सेवक के रूप में स्वीकार करें। ये आम जनमानस में एक वातावरण है। देखिए, हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट खड़ा करती है। ये प्रजातंत्र का यही आनंद है कि हर दल अपना व्यक्ति लड़ाता है चुनाव में। तो मैं उनके बारे में हमको टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक बड़ा सामान्य कार्यकर्ता हूँ, किसान का, गांव का और गरीब का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ। तो मैं अपना हूँ, मैं स्थानीय हूँ, यहाँ उनके बीच का रहने वाला हूँ। मैं और जनता में कोई अंतर नहीं है, जैसी जनता है उन्हीं में से मैं हूँ। तो इसलिए आम जनमानस में ये चर्चा का विषय है कि भाई ये हमारे अपने हैं राजकुमार। तो जनता जो है मोदी जी को चाह रही है और राजकुमार को एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में प्यार कर रही है। चाहर साहब को जो टिकट दी गई है फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से, वो सोच समझ के दी गई है, जिसे विजयी हों और जनता का इनकी ओर ज़्यादा लगाव है। अच्छे नागरिक हैं और पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं ये। मेरा भगवान से प्रार्थना यही है कि जनता से निवेदन है कि इनको अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनावें। फतेहपुर सीकरी लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर जी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं और इनसे क्षेत्र की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और हमें भी ऐसी उम्मीद है। ये काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे जो और पार्टी के लिए काफ़ी कह सकते हैं। आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी की जनता वर्तमान भाजपा प्रत्याशी राजकुमार चाहर को हाथों हाथ ले रही है। महागठबंधन के प्रत्याशी भगवान शर्मा और गुड्डू पंडित और कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सीकरी की जनता किस प्रत्याशी को भारी मतों से जिताकर लोकसभा में भेजकर किसको सेवा का मौका देगी। स्वागत कार्यक्रम में हरि सिंह बघेल, डॉक्टर सुनील बघेल, मनोज बघेल, पुनीत बघेल, कपिल बघेल, विधायक हेमलता दिवाकर कुशवाहा, पुष्पेंद्र चाहर सहित दर्जन भर लोग मौजूद रहे। अर्थ न्यूज के लिए करतार सिंह बघेल की रिपोर्ट। भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल अपोजिट शिल्पराम गंगा विहार कॉलोनी आगरा, प्ले ग्रुप से 8 क्लास तक सभी एयर क्लास रूम की सुविधा, जहां सीसीटीवी कैमरा, फायर अलार्म, ऑटो अलार्म सिस्टम, थंबप्रिंट सिस्टम के साथ ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा टीचिंग की सुविधा, इसके साथ ही नर्सरी व केजी क्लास के लिए प्ले वे मेथड की सुविधा। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण, कंप्यूटर, डांस, ड्राइंग, इंग्लिश स्पीकिंग के साथ ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बच्चों के लिए साफ सुथरा वातावरण व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, साथ ही बच्चों को लाने व ले जाने के लिए बस की सुविधा। प्रवेश प्रारंभ आज ही, चले आइए भारतीय बाल विद्या भवन स्कूल। हमारा पता है अपोजिट शिल्पग्राम गंगा विहार कॉलोनी आगरा। मोबाइल नंबर 9953737799 और 8630624252।